ऑलराइट। अच्छा हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स पर। स्क्रीन शेयर हो रही है मुझे। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? काइंडली ठीक हो गया, हो रही है। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। बाकी ये लोग जो कह रहे हैं कि हमें नहीं अपना विजन क्लियर या हमें जो क्या करना है इन फ्यूचर, तो इंशाल्लाह इस सेशन के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। ओके तो मैं वैसे अपना इंट्रोडक्शन करवाने का कोई इतना कायल नहीं अपनी तारीफ करने का, लेकिन फिर भी आप लोगों को आइडिया हो कि जो बंदा आपके साथ मुखातिब है उसका कोई ना कोई एक्सपीरियंस है। ऐसे ही कोई सेकंड थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट आके आपको गाइड नहीं कर रहा। सो माई सेल्फ मिस्टर माज, मैं करंटली एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड पाइथन डेवलपर वर्क कर रहा हूँ, और मेरी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस है फ्रॉम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और करंटली मैं BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ विश्व यूनिवर्सिटी से आपके साथ ही। और करंटली मेरे सिर्फ 4 सेमेस्टर हुए हैं, 5th अभी स्टार्ट होना है। इसके अलावा मेरे पास 15+ सर्टिफिकेशन हैं जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हैं। उनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नेम यहाँ पर मैंशन है, लाइक EC काउंसिल है जिसका एक बड़ा नाम है एथिकल हैकिंग के सर्टिफिकेशन में, तो EC काउंसिल का मेरे पास 3-4 सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा हवावे की सर्टिफिकेशन है, सिस्को की सर्टिफिकेशन है, उसके अलावा गूगल की सर्टिफिकेशन है जिसमें साइबर सिक्योरिटी की है, पाइथन की है, पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी की है, और भी थ्रेट इंटेलिजेंस की कुछ सर्टिफिकेशन है, और इस उसके अलावा IBM की भी थ्रेट इंटेलिजेंस में सर्टिफिकेशन है मेरे पास। उसके अलावा सेकोप्स एक ग्रुप है उसकी सर्टिफिकेशन है एक मेरे पास, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट हैं उनकी सर्टिफिकेशंस हैं मेरे पास। इसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसीज हैं कुछ उनकी साइबर सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशंस हैं मेरे पास जो कि मैं पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास हैं। और इसके अलावा कुछ वर्क एक्सपीरियंस मेरा जो है वो मैं एज अ पाइथन डेवलपर काम कर चुका हूँ, और जिसमें मेरी मोस्ट ऑफ द एक्सपर्टीज पाइथन में ऑटोमेशन में है, स्क्रैपिंग में है, और पाइथन में किसी भी तरह की ऑटोमेशन आप कह सकते हैं। इसके अलावा जेंगो, फ्लास्क, फास्ट API, जितने भी वेब फ्रेमवर्क्स हैं पाइथन में उन सब में, और ऑफेंसिव सिक्योरिटी में भी मैं काम कर चुका हूँ, और करंटली मैं एज अ थ्रेट इंटेलिजेंस और मेलवेयर रिसर्च पर काम कर रहा हूँ। ठीक है तो ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, बाकी हम लास्ट पर क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चन करेंगे। मेरे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन नहीं है, हम नेक्स्ट चलेंगे। ओके तो यहाँ पर ये जो आपको स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं ये हमारी एक बड़ी अच्छी बहन है मरियम, उन्होंने ये प्रिपेयर की है, तो इसका सारा क्रेडिट जो है उन्हीं को जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इल्मो अमल में इजाफा फरमाए, और इन्होंने जो हमारे लिए ये इतना काम किया, अपना इतना टाइम दिया, हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। ठीक है नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया की IT एक्सपोर्ट्स आपके सामने हैं। 2020 और 2021 में जो है पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स थी सिर्फ $2 बिलियन, और तब इंडिया की IT एक्सपोर्ट्स थी हमारे पास $200 बिलियन। तो आप इसमें खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की कहाँ $2 बिलियन और इंडिया की कहाँ $200 बिलियन। और लास्ट ईयर में जो पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स थी वो अराउंड $13 बिलियन हैं, और इंडिया की जो IT एक्सपोर्ट्स हैं वो $320 बिलियन हैं। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। लाइक इंडिया भी हमारे साथ ही वो भी आज़ाद हुआ है और हम भी, लेकिन हम आज IT में कितने पीछे रह गए हैं। और ये बात कहने में कोई शक नहीं है कि हम इंडिया से आज 20 साल पीछे चले गए हैं। इंडिया IT में इतना ज्यादा आगे चला गया ना, आपकी सोच है?
2023 में मैंने मोदी का एक बयान सुना था, उसमें उसने कहा था कि वी हैव टू प्रोड्यूस 50,000 हैकर्स इन 2023। तो आप खुद इमेजिन कर लो कि अगर वो 50,000 हैकर्स एक साल में प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो तो एक दिन में पाकिस्तान को कंगाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आईटी का फायदा है कि आईटी एक्सपोर्ट्स आज के दौर में जिस कंट्री की ज्यादा होंगी ना, वो समझो कि सबसे ऊपर है। लाइक आजकल आज हमारे पास फेसबुक है या गूगल है, या ये जितनी भी कंपनीज हैं ये सारी अमेरिकन हैं, और ये सारा रेवेन्यू अमेरिका को जा रहा है, चाहे वो मार्क जकरबर्ग को जा रहा है या बिल गेट्स को जा रहा है, लेकिन जा तो अमेरिका में ही रहा है। तो इसी तरह अगर हम आईटी में आते हैं, हम अमेरिका से यूरोप से पैसा अगर पाकिस्तान में लेकर आते हैं, तो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रो करेंगे, ना कि हम एक इंडिविजुअल का फायदा होगा, बल्कि एक पूरी कंट्री का इसमें फायदा है कि हम अगर पाकिस्तान में पैसा लाते हैं, डॉलर्स लाते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। और आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी ग्रोइंग इंडस्ट्री है कि इसमें स्टैंड करना बहुत इजी है, और इवन कि आप एक सिंगल पर्सन है, आप फाइवर की गिग बनाओ और फाइवर पर आप अपना काम स्टार्ट कर दो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो आईटी इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो पाकिस्तान में बेसिकली जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज काम कर रहे हैं ना, वो कर अमेरिका के लिए या यूरोप की कंट्रीज के लिए रहे हैं, लेकिन नाम जो है ना वो आगे अमेरिका का लगा होता है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जितने भी सिक्योरिटी की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर काम कर रही है, वो सारी अमेरिका के लिए काम कर रही होती हैं, और टैग जो है वो अमेरिका का लगता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने ये सिक्योरिटी के प्रोडक्ट बना लिया, फेसबुक ने ये बना लिया, ये बना लिया। एक्चुअली में वो पाकिस्तान में लो कॉस्ट डेवलपर्स बैठे होते हैं। हमारी कॉस्ट लो क्यों है? क्योंकि हम में जो है वो एक क्वालिटी नहीं है। क्वांटिटी में पाकिस्तान में डेवलपर्स आपको काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन एक क्वालिटी डेवलपर बड़ा कम मिलेगा। तो हमने जो है वो एक क्वालिटी डेवलपर और एक क्वालिटी इंजीनियर बनना है, ना कि क्वांटिटी में आके जाना है। ऑब्वियसली हमने क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी है, लेकिन क्वालिटी भी जो है वो होनी चाहिए। हम जो है वो ये करते हैं कि बस हमें पैसा मिल गया, दैट्स इट, हमें नाम की ज़रूरत ही नहीं है। अमेरिकन कंपनीज अपना टैग लगा के हमारी प्रोडक्ट बेच रही हैं, हमें उस चीज़ से गर्ज ही नहीं है, हमें पैसा आ रहा है, वो हमें डबल पैसे दे देती हैं, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर पाकिस्तान की किसी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हो, तो वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का भी जो है वो एक लाइलमी कह सकते हैं कि वो आईटी फील्ड पर इतना जो है वो तवज्जो दे ही नहीं रही जितना वो दूसरी फील्ड पर दे रही। तो अगर आपका माइंड इतना शार्प है, तो लाजमी इस चीज़ के बारे में सोचें कि अगर इंडिया इतना आगे जा सकता है, उसकी 320 बिलियन डॉलर्स एक साल में वो कमा सकता है, तो हम क्यों नहीं वो कमा सकते? हम आधे में भी नहीं है, कहाँ 320 और कहाँ 13। तो जितने भी यहाँ पर आईटी से रिलेटेड या सीएस या एससी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं ना, वो तो आज से ही अपना माइंड बना लें कि आपने करना क्या है और जाना आईटी में ही है, ये अपना जो है वो माइंड सेट कर लें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, यहाँ पर दो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, कुछ टेक्निकल फील्ड्स हैं, कुछ नॉन टेक्निकल फील्ड्स हैं। टेक्निकल फील्ड्स जो हैं वो स्पेशली तौर पर सीएस आईटी और एससी स्टूडेंट्स के लिए हैं, और नॉन टेक्निकल फील्ड्स जो हैं वो दूसरे प्रोग्राम्स के लिए है, लाइक मैथ्स है या साइकोलॉजी है या जितने भी प्रोग्राम्स हैं दूसरे, ठीक है। लेकिन कोई बंदा जो है वो अगर नॉन टेक्निकल फील्ड से और टेक्निकल फील्ड में किसी फील्ड में उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसमें भी जा सकता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन फील्ड्स को देखते हैं कि कौन कौन सी इमर्जिंग फील्ड्स हैं। भाई क्या आई ट्रस्ट या डिफरेंट फील्ड्स हैं यार, सॉरी आलिया, आईटी और सीएस जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। सीएस को जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इंडस्ट्री में, क्योंकि सीएस एक जनरलाइज फील्ड है और आईटी थोड़ी स्पेसिफिक हो जाती है। बाकी ऑलमोस्ट आप इसे सेम ही कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 9 से 10 टेक्निकल फील्ड्स लिस्ट की हैं, और ये वही फील्ड हैं जो कि आजकल ट्रेंडिंग में हैं या पाकिस्तान की लोकल मार्केट में इनका स्कोप है। कोई भी ऐसी फील्ड मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं की लाइक
ब्लॉकचेन का मैंने यहाँ पर नहीं किया, इवन कि वो एक ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन पाकिस्तान में उसका इतना अभी स्कोप नहीं आया। अगर आप उसको सीख भी लेते हो ना, तो बड़ा मुश्किल है आपका आपको कि आप कहीं पर फिट हो सको। तो मैंने यहाँ पर फील्ड्स वही सिलेक्ट की हैं कि आप इजीली कहीं ना कहीं फिट हो जाओ, और चाहे आपने जॉब नहीं भी नहीं करनी, लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो इन सब फील्ड्स का कि ये फील्ड्स हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि हमने जॉब नहीं करनी, हमने अपना बिजनेस ही करना है, तो उनको मैं यही कहूँगा कि कोई 6 महीने 1 साल किसी सॉफ्टवेयर हाउस में लगा लें, थोड़ा एक्सपीरियंस एक्सपोजर ले लें, और उसके बाद जो है वो आप अपना भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी, मैं IT CS के अलावा भी कुछ फील्ड्स पर डिस्कस करूंगा, वो इसके बाद होगा। हाँ बिल्कुल, लिंक्डइन प्रोफाइल एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, इसको भी हम देखेंगे फिर नेक्स्ट सेशंस में कभी, लेकिन अभी इसको देखते हैं। अभी हम ये कर लें स्लाइड्स, पहले स्लाइड्स ख़त्म कर लें, फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ भी मैं आता हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फील्ड आती है वो आती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। आपको पता ही होगा आजकल जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, और आपने जो है वो HTML CSS JavaScript वगैरह सीखी होगी। पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि जो बंदा HTML CSS सीख लेता है ना, वो कहता है जी मैं बस डेवलपर बन गया हूँ, और इवन के ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के दौर में किस कहीं पर भी जो है वो सिंपल HTML CSS में वेबसाइट नहीं बनती, उसके लिए फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं। और जो ट्रेंडिंग के 3 फ्रेमवर्क्स है वो मैंने यहाँ पर लिस्ट किए हैं, जिसमें रिएक्ट JS है, नेक्स्ट JS है, एंड एंगुलर है। ये रिएक्ट JS और नेक्स्ट JS मिल के दोनों काम करते हैं, और एंगुलर जो है वो स्टैंड अलोन भी काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीका तो यह है कि हम सिंपल HTML CSS और JavaScript में जो वेबसाइट्स बनाते हैं वो सिंपल JavaScript में बनी होती हैं, ठीक है। लेकिन रिएक्ट JS को करने का मकसद ये होता है कि जब हमारी वेबसाइट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, हमने बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स अपनी वेबसाइट में लगाए होते हैं, तो सिंपल JavaScript ने उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हमारा कोड बड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसके लिए फिर हम रिएक्ट JS को यूज़ करते हैं। और रिएक्ट JS जो है वो आई थिंक गूगल की प्रोडक्ट है या मेटा की है, मुझे सही याद नहीं है, आई थिंक मेटा की है। और नेक्स्ट JS ये है कि आपकी जो है वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद एंगुलर है, और एंगुलर भी जो है वो एक अच्छा फ्रेमवर्क है। ये सारे तीनों के तीनों जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है देन ही आप इनमें जा सकते हैं। बाकी इनकी एवरेज सैलरीज भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड फील्ड आती है बैकएंड डेवलपमेंट। बैकएंड डेवलपमेंट में जो आजकल ट्रेंडिंग के जो टेक स्टैक्स हैं वो 3 हैं, वो एक नोड JS है, लारावेल है, और पाइथन है। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो आज भी लारावेल है, उसके बाद नोड JS है, और पाइथन भी है। नोड JS की भी बड़ी डिमांड है, तो आप अपने इंटरेस्ट से देख लें कि आप किस में जाना चाहते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट में आपका हैंड जोन है, फिर आप नोड JS में चले जाएं, उसमें आप बैकएंड कर सकते हैं। अगर आपको PHP अच्छी आती है, फिर आप लारावेल में जा सकते हैं, उसमें आप जो है वो एक अच्छा एक्सपोजर गेन कर सकते हैं। अगर आप पाइथन में थोड़ा आपका एक्सपीरियंस है, देन आप पाइथन में चले जाएं, और वहाँ पर आप बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नोड जेएस में जाते हैं तो बैकएंड ही करते रहेंगे, आप फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं। आप रिएक्ट करें, साथ में नोड जेएस करें, और आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, ठीक है। बाकी इनकी एवरेज सैलरीज भी यहाँ पर आ रही हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। बाकी आपके क्वेश्चन जो है उनको आप नोट करके रख लें, इन स्लाइड्स के बाद हम आपके जो क्वेश्चन होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड आती है AI एंड डाटा साइंस। AI भी आजकल ट्रेंडिंग में जा रही है, जब से ChatGPT आया या गूगल बार्ड आया, ये सारी चीज़ें आई हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांसमेंट हो गई है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है AI में या डाटा साइंस में, AI और डाटा साइंस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। AI का आपको पता है कि AI बेसिकली होता ये है कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो कि ऑटोमेटिकली लर्न करता है और ख़ुद से डिसीजन ले सकता है, ये AI में आ जाता है। और डाटा साइंस में ये है
कि लेट्स सपोज फेसबुक के पास बिलियंस ऑफ यूजर्स का डाटा है, उनमें से उन्होंने कोई ना कोई रिजल्ट निकालना है कि कौन से ऐसे यूजर्स हैं जो कि शूज को ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो डाटा साइंस के थ्रू करेंगे। जितने भी एड्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, वो बेसिकली इन स्ट्रेटेजीज को यूज कर रहे होते हैं। बाकी AI में जो है वो दो कॉन्सेप्ट बड़े कॉमन यूज होते हैं, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। इनका भी आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, बाकी वो जब आप इस फील्ड में जाएंगे देन आप इसको सही तरह से स्टडी कर सकते हैं। इनकी एवरेज सैलरीज भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का जो है वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है, क्योंकि AI अभी ऑन द वे है। तो जैसे जैसे ये AI बूम करेगी, वैसे वैसे जो है आपकी फील्ड में जो है वो आपकी फील्ड में जो है वो तरक्की होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड आती है गेम डेवलपमेंट। और गेम डेवलपमेंट, अगर आप गेम खेलने में अच्छे हैं तो आई थिंक कि आप गेम डेवलपमेंट में भी अच्छे हो सकते हैं। अगर आपका जो है वो और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन गेम्स आप बड़े ध्यान से खेलते हैं और आपका गेम खेलने में बड़ा इंटरेस्ट है, तो आपका गेम बनाने में भी ऑब्वियसली इंटरेस्ट होगा कहीं ना कहीं पर। तो गेमिंग में जो सबसे बड़ा फ्रेमवर्क जो है वो एक ही यूज़ हो रहा है, जो सबसे बड़ा बादशाह है इंडस्ट्री का, वो यूनिटी है। इसके अलावा और भी फ्रेमवर्क्स आए हैं, लेकिन जो जिस पर आज भी सबसे ज़्यादा गेम्स बनी हुई हैं और बन भी रही हैं, वो यूनिटी ही है। तो यूनिटी एक मार्केट का बड़ा जॉइंट प्लेयर है। इसकी एवरेज सैलरी भी आप देख सकते हैं, अगर आप जूनियर लेवल पर भी जाते हैं तो अराउंड 100K, तो आपकी कहीं पर नहीं। बाकी अगर आप सीनियर हो जाते हैं तो 250 से 300। नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाते हैं हम, और नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन में जो हमारे पास करंटली स्टैक्स यूज हो रहे हैं, वो फ्लटर है, रिएक्ट नेटिव है और कोटलिन है। पहले ये होता था कि जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते थे, हमें एंड्रॉयड के लिए अलग एप्लीकेशन बनानी पड़ती थी, और iOS के लिए अलग एप्लीकेशन बनानी पड़ती थी, और विंडोज़ के लिए अलग एप्लीकेशन बनानी पड़ती थी। लेकिन फ्लटर और रिएक्ट नेटिव ने इन दोनों चीज़ों को आसान कर दिया है। अगर फ्लटर या रिएक्ट नेटिव में हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं ना, उसको हम iOS पर भी रन कर सकते हैं, उसको हम एंड्रॉयड पर भी रन कर सकते हैं, हम उसको विंडोज़ पर भी चला सकते हैं। तो ये इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर इससे पहले जो है वो जावा यूज़ होती थी सिर्फ एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस बनाने के लिए, और स्विफ्ट यूज़ होती थी iOS की एप्लीकेशंस बनाने के लिए, लेकिन फ्लटर और रिएक्ट नेटिव ने इन चीज़ों को आसान कर दिया है। बाकी थर्ड नंबर पर कोटलिन है। कोटलिन भी बेसिकली एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाने के लिए ही यूज़ होती है। इसको आप एक जावा की अपडेटेड फॉर्म कह सकते हैं, कि जावा से थोड़ी ही अपडेटेड है, लेकिन फ्लटर और रिएक्ट नेटिव की जो है वो ज़्यादा मार्केट है। और पाकिस्तान में अगर मैं आपको बताऊं तो फ्लटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, रिएक्ट नेटिव भी हो रहा है, लेकिन फ्लटर की मार्केट ज़्यादा है पाकिस्तान में, क्योंकि ये इजी टू लर्न है एज़ कम्पेयर टू रिएक्ट नेटिव। अगर आपका जावास्क्रिप्ट में हैंड्स ऑन है, आप जावास्क्रिप्ट में अच्छे हो, आपको आती है, देन आप रिएक्ट नेटिव में जा सकते हो, क्योंकि ये सारी की सारी जावास्क्रिप्ट पर बेस करती है। और अगर आप जो आपका किसी प्रोग्रामिंग में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, देन आप फ्लटर में जा सकते हो, और इसका सिंटैक्स काफ़ी इजी है। फ्लटर फ्लटर बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू रिएक्ट नेटिव। तो अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हो, तो इन तीनों में से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर लो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रिएक्ट नेटिव या फ्लटर में से कोई एक कर लें। अगर आपका जावास्क्रिप्ट का एक्सपीरियंस है, देन आप रिएक्ट नेटिव की तरफ चले जाएं। अगर जावास्क्रिप्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, देन आप फ्लटर की तरफ चले जाएं। बाकी इनकी सैलरीज भी यहाँ पर लिखी हुई है। कोटलिन की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ी पुरानी होगी, अभी मार्केट जो है वो फ्लटर रिएक्ट नेटिव पर शिफ्ट हो रही है, और जो एप्लीकेशन पुरानी कोटलिन पर बनी हुई है उनको मैनेज करने के लिए लोगों की ज़रूरत है, तो वो कम मिलते हैं। आजकल जावा डेवलपर्स बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि जो नए डेवलपर्स हैं वो जावा सीखते ही नहीं है, लेकिन जो पुरानी एप्लीकेशन जावा पर बनी हुई हैं उनको मेंटेन करने के लिए जावा डेवलपर्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट मेरी फेवरेट फील्ड आ गई साइबर सिक्योरिटी। और साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली आप ये देखेंगे कि यहाँ पर इसकी जो सैलरी लिखी हुई है ना, बाकी जितनी भी फील्ड है उन सबसे ज़्यादा लिखी होगी साइबर सिक्योरिटी की सैलरी।
और इंडिया जो है वो इसीलिए अपनी सिक्योरिटी पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि एक तो हम अपनी कंट्री को सिक्योर करेंगे, दूसरा इसकी सर्विसेज बेच के हम रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट। बाकी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी जो है वो ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, और साइबर सिक्योरिटी के बारे में मैं कहता हूँ कि ये बस एक तेजाब का दरिया है और आपने इसमें बस डूब ही जाना है, बाहर आप निकल नहीं सकते। ये इतनी कि ज़्यादा वसी फील्ड है, एक बहुत बड़ा समंदर है। कोई भी बंदा आपको ये नहीं कह सकता कि वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, कोई भी बंदा एक 4-4 साल में इसको कंप्लीट सीख ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन पाकिस्तान का जो माइंड सेट है साइबर सिक्योरिटी को सीखने का वो गलत है। पाकिस्तान में लोग ये करते हैं कि उनके माइंड में ना साइबर सिक्योरिटी का जब भी वर्ड क्लिक करता है ना, वो एक ही चीज़ उनके माइंड में आती है कि ये हैकिंग होगी, कोई हैकिंग से रिलेटेड काम होगा, और मोस्टली लोग करते भी यही हैं। साइबर सिक्योरिटी में मेनली दो फील्ड होती हैं जहाँ पर आपको दिखाई भी दे रही हैं, एक ब्लू टीमिंग होती है जिसको हम डिफेंसिव सिक्योरिटी भी कहते हैं, और रेड टीमिंग होती है जिसको हम ऑफेंसिव सिक्योरिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट 5 ईयर ट्रेंड आना है और पेंट्रेशन टेस्टिंग, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि हमारे जितने भी मेरे इवन के जितने भी दोस्त सिक्योरिटी में गए हैं ना, वो सारे के सारे रेड टीमिंग में गए हैं, सारे सारे ऑफेंसिव में गए हैं कि उन्होंने हैकर बनना है। और पाकिस्तान में जो है वो, मैं अगर आपको बताऊं तो 20 में से 1 जॉब जो है वो रेड टीमिंग की होती है, 19 जो है वो ब्लू टीमिंग की होंगी। लेकिन ब्लू टीमिंग ऑफेंसिव की तरफ लोग जागते नहीं हैं, लोग कहते हैं हमें हैकर बनना है, और फिर वो उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती, फिर जो है वो डेवलपमेंट में चले जाते हैं और फिर साइबर सिक्योरिटी को बुरा भला कहना स्टार्ट कर देते। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं तो आपको मैं ये बता दूं कि आपका सीएस का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग आपकी हैंड्स ऑन होनी चाहिए, नेटवर्किंग के जितने प्रोटोकॉल्स हैं, पोर्ट्स हैं, स्विचेज हैं, राउटर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके हैंड्स ऑन होनी चाहिए। इसके बाद आपका ओएस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम खासतौर पर लिनक्स आपको जो है वो फिंगर टिप्स पर आना चाहिए, लिनक्स की सारी कमांड्स, लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग। थर्ड नंबर पर आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए और उसमें आप एक्सपर्ट हो, वो जावास्क्रिप्ट हो सकती है, वो पाइथन हो सकती है, वो रस्ट हो सकती है, वो गो हो सकती है, लेकिन एक मिनिमम ऐसी लैंग्वेज हो जिसमें आप एक्सपर्ट हो, और बाकी जो दूसरी लैंग्वेज हो उनका कोड रीड करना मिनिमम आपको आना चाहिए। अगर कुछ ना आता हो तो भी चूज कर सकते हैं, फिर आपने अपने सर्कमस्टांसेस देखने हैं कि आप अभी कहाँ हैं। मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपका भी बस शौक है साइबर सिक्योरिटी में, अभी इन करने का प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो पहले नंबर पर तो आप ये माइंडसेट बना लो कि अगर साइबर सिक्योरिटी में आ रहे हो ना, तो 3 साल के लिए भूल जाओ कि आप 1 रुपया भी कमाओगे। बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करना पड़ती है। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको पूरी कंप्यूटर साइंस हर एक चीज़ लर्न करना पड़ती है। एक डेवलपर को बस कोड से मतलब है, उसको नहीं पता नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कैसे वर्क कर रहे हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के पर्सन को हर चीज़। हाँ बिल्कुल, बजट भी मैटर करता है आपका, और यही है कि अगर आपका इतना बजट है कि आप 3 साल जो है वो बस इसमें लगा सकते हो, आपका आपको अगर 3 साल कोई भी इनकम ना आए फिर भी आप सरवाइव कर सकते हो और आपका पैशन है, देन आप इसमें जा सकते हो। और बाकी यहाँ पर ब्लू टीमिंग और रेड टीमिंग आपने डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। इनिशियली मैं भी रेड टीमिंग की तरफ ही गया था, लेकिन जब मैं मार्केट में गया था तो मैंने देखा कि ब्लू टीमिंग का ज़्यादा स्कोप है, और ब्लू टीमिंग में जिनके ज़्यादा मैं बूस्ट कर सकता हूँ, फिर मैं थ्रेट इंटेलिजेंस और मैलवेयर एनालिसिस की तरफ चला गया। तो इसकी सैलरीज भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसमें जो है वो काम ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा चीज़ें लर्न करना पड़ती हैं। नहीं, विद आप डिग्री के दौरान भी आप सीख सकते हैं, डिग्री में आपको नेटवर्किंग की बुक पढ़ाई जाती है, ओएस की पढ़ाई जाती है, असेंबली की पढ़ाई जाती है, ये सारी चीज़ें आप सही तरह से पढ़ लें तो साइबर सिक्योरिटी में हो सकते हैं। अभी मेरा करंटली 4th सेमेस्टर हुए हैं तो मैं जॉब कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो अगर आप इसमें जाना चाहें तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि 2-3 साल के आपके पास
फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों और आपका पैशन अच्छा खासा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड आती है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग बढ़ रहा है। अगर आप जीमेल यूज़ करते हो, आप गूगल फोटोज़ यूज़ करते हो, तो आप ऑलरेडी क्लाउड यूज़ कर रहे हो। आपने देखा होगा कि एक मोबाइल में आपने जीमेल अकाउंट लॉगिन किया, उसमें भी वही ईमेल्स आ रही हैं, और अगर दूसरे में लॉगिन किया तो उसमें भी सेम ईमेल्स आ रही हैं। तो ये सारा क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू मैनेज हो रहा होता है। आजकल जितनी भी कंपनीज हैं या सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो क्लाउड पर शिफ्ट हो रही हैं। वो अपने लोकल सिस्टम में डाटा स्टोर करते ही नहीं है, वो सारा का सारा क्लाउड पर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी है, वहाँ पर हर टाइम वो अवेलेबल रहता है, उनको मेंटेन नहीं करना पड़ता, तो वो लो कॉस्ट में उनको अच्छा सोल्यूशन मिल जाता है। बस ये है कि इंटरनेट उनको चाहिए। ये हम लास्ट पर देखते हैं कि जॉब के लिए कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए। और यहाँ पर क्लाउड की सर्विसेज के लिए हमारे पास तीन बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें अमेजोन AWS है, गूगल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर आप जाना चाहते हो, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। ये सिर्फ उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा जिन लोगों का प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है। जो लोग ये कहते हैं ना कि मुझसे कोड नहीं होता, मेरा प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, या मैं कोड कर ही नहीं सकता, तो वो नेटवर्किंग या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में चले जाए, क्योंकि इसमें इतना कोडिंग का रिलेटेड नहीं होता, तो आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी क्लाउड कंप्यूटिंग में तीन कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं आसपास सास का, जिन लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग की बुक पढ़ी है उनको ज़्यादा आइडिया होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो अगर आप इसमें जाएंगे, फिर आप इन चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर लेंगे। लेकिन वो लोग जिनका अब प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है इतना ज़्यादा, उनके लिए ये बेस्ट फील्ड है। अदरवाइज अगर आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट भी है और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी है, देन फिर भी आप इसकी तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग वंस अगेन कि अगर आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप नेटवर्किंग की तरफ जा सकते हैं। और नेटवर्किंग मेरी जो आज तक की सबसे फेवरेट फील्ड है ना, वो नेटवर्किंग है। मैंने जब सोचा कि हम व्हाट्सएप पर हेलो लिखते हैं, वो कैसे विद इन मिली सेकेंड एक लाखों किलोमीटर दूर बैठे हुए बंदे के पास उसी टाइम चला जाता है, या मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ तो कैसे रियल टाइम में आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन तब आपके सॉल्व होते हैं जब आप नेटवर्किंग सीखते हो। तो नेटवर्किंग बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगती है। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट आ जाता है, तो इट्स अ गुड थिंग। नेटवर्किंग में जो मार्केट में अभी दो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जिनका ट्रेंडिंग में है, बाकी इनके अलावा थर्ड आप और एक ऐड कर सकते हैं, हवावे। हवावे का भी जो है नेटवर्किंग में आजकल बहुत नाम है। इवन के पाकिस्तान में सेफ सिटी, मेट्रो, ऑरेंज लाइन, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे उसमें हवावे की डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पर सिस्को की डिवाइसेस हैं और माइक्रोटिक की डिवाइसेस हैं। सिस्को की डिवाइसेस थोड़ी महंगी हैं और उनको मैनेज करना भी मुश्किल है, इसलिए उनकी सैलरी ज़्यादा है। और माइक्रोटिक की डिवाइसेस सस्ती हैं, उनको मैनेज करना भी ईजी है और उनकी सैलरी थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू सिस्को। इसके अलावा हवावे की भी हैं, हवावे की सर्टिफिकेशन है, उनकी अपनी डिवाइसेज हैं और उनका भी अपना जो है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन यह है कि बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं। अगर आप सिस्को सीख रहे हो, तो साथ में माइक्रोटिक वैसे ही आपको एक हफ्ते में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। जी बिल्कुल, अगर कोई बंदा मैथ्स में बहुत अच्छा है ना, तो वो प्रोग्रामिंग, डाटा साइंस, AI में बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की बैकबोन है ही मैथमेटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड आती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वंस अगेन जो लोग कह रहे थे कि हमने वर्डप्रेस सीखनी है या कोडिंग में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमने वेब डेवलपर भी बनना है, तो वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS की तरफ जा सकते हैं। CMS में करंटली मार्केट में दो बड़े CMS यूज़ हो रहे हैं, एक वर्डप्रेस और वीक्स। वर्डप्रेस आज भी 50 से 60% जो साइट्स हैं वर्डप्रेस में बन रही हैं। इसके अलावा और भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन वर्डप्रेस पर आज भी जो है वो 50 से 60% है। वो इसलिए कि ये ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। और इसके अलावा विक्स भी है हमारे पास, जो कि वर्डप्रेस से बहुत आसान है। आजकल तो जो है वो होस्टिंगर ने अपना AI बिल्डर निकाल दिया है, जस्ट आप प्रॉम्प्ट लिखो, आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। तो अगर आप जो है वो कोडिंग में आपका इंटरेस्ट नहीं है इतना, लेकिन वेब डेवलपर भी बनना चाहते हो, तो आप इसमें जा सकते हो। मेरा एक दोस्त है, वो फ्रीलांसिंग करता है,
वर्डप्रेस और विक्स पर ही, इवन के दो दोस्त हैं तो वर्डप्रेस और विक्स पर ही वो काम करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा खासा जो है वो फाइवर अपवर्क से कमा रहे, काम बढ़ा है इसका, लेकिन ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इस चीज़ में। उसके बाद ये टेक्निकल फील्ड की लास्ट पर आता है हमारे पास डेवऑप्स। डेवऑप्स का किस किस को आइडिया है यहाँ पर डेवऑप्स क्या होता है, तो काइंडली चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे डेवऑप्स क्या होता है। नो आइडिया, और किसी को कोई आइडिया हो कि डेवऑप्स क्या चीज़ है और इसका पर्पस क्या है? ठीक है, और कोई? किसी को भी आइडिया नहीं है कि डेवऑप्स क्या है? डेवऑप्स इज द कम्बिनेशन ऑफ कुछ, ये तो मुझे लगता है आपने गूगल से उठा के भेजा है। ठीक है, आपको नहीं आइडिया तो मैं आपको बता देता हूँ, इवन के आप अगर आईटी फील्ड से हो, कंप्यूटर साइंस या एसी से हो, तो इसका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका बड़ा एक रोल होता है। हमारे पास ने दो बेसिकली डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक डेवलपमेंट का और एक ऑपरेशनल, ऑपरेशन का, वो वाला मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं, वैसे जो ऑपरेशन सर्वर साइड पर आप कह सकते हैं। डेवलपमेंट का काम ये होता है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, और ऑपरेशन का काम ये होता है कि उन्होंने जो सर्वर चल रहा है उनको मेंटेन करना है। इन दोनों को कंबाइन करके एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसे डेव ऑप्स कहते हैं, यानी कि डेवलपमेंट और ऑपरेशन। इसका काम ये होता है कि लेट्स सपोज एक बैकएंड डेवलपर है, उसने जब वेबसाइट बना दी, तो उसका काम नहीं है कि वो सर्वर पर जाके उसको रन भी करे, उसने वेबसाइट बना के डेव ऑप्स को दे देनी है। डेव ऑप्स ने क्या करना है कि उसको जो है वो सर्वर पर रन करना है, उसको मेंटेन करना है, अगर उसमें कोई मसला आता है तो उसको सॉल्व करना है, यानी कि सिस्टम को लाइव रखना है। अभी ये कुछ दिन पहले जो है वो मेटा की सर्विसेज डाउन हुई, तो डेव ऑप्स इंजीनियर वो बंदा होगा जिसकी नींदें हराम हो गई होंगी। इसका काम ऐसा होता है कि अगर रात को 12 बजे भी सिस्टम डाउन हुआ है ना, तो इसको उठना पड़ता है, लेकिन इसकी सैलरी ज़्यादा होती है। और डेवऑप्स का भी एक बड़ा काम है, इसमें आपने डॉकर का नाम सुना होगा, डॉकर इसमें यूज़ होता है, क्यूबरनेटिक्स यूज़ होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैंड्स ऑन होना चाहिए, और भी काफ़ी टूल्स डेवऑप्स में यूज़ होते हैं। डेवऑप्स का बेसिक पर्पस यही है कि उन्होंने एप्लीकेशंस को सर्वर पर लाइव रखना है, सर्वर को मेंटेन करना है। ब्रो डेवऑप्स का रोड मैप बता दें, ठीक है मैं आपको गाइड कर देता हूँ, लेकिन प्रॉपर रोड मैप तो अभी इतने टाइम में नहीं बता सकूंगा, लेकिन मैं लास्ट पर आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि डेवऑप्स आपने कहाँ से सीखना है। और इसका यही है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है, क्योंकि एक मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी ये है कि एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, वो हमारा सर्वर पर लाइव है, लेट्स सपोज ये जूम है, जूम जो है वो सर्वर पर लाइव है, लाइव चल रही है या बिल्कुल सेट ओके चल रही है। जूम ने क्या किया कि जूम के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने एक नई अपडेट लाई इसमें, यानी कि कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने जैसे ही सर्वर पर वो नया कोड रन किया ना, उसमें एरर्स आ गए, वो जैसे ही एरर आएंगे वो पुराना कोड जो रन हो रहा होगा वो जूम का वो भी डाउन हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए डेवऑप्स का डिपार्टमेंट बनाया जाता है कि अगर जो पहले से कोड चल रहा है अगर उस पर हम नया कोड भी इंप्लीमेंट करेंगे तो सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ को ध्यान रखा जाता है ना वो ये है कि आपका 1 सेकंड के लिए भी आपकी सर्विस डाउन नहीं होनी चाहिए, तो सर्विस को अप रखने के लिए ये डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, बाकी इनकी सैलरी भी आप देख सकते हैं, तकरीबन कोई 34 लाख पर ईयर बनती है, तो 3 लाख तो ऑलमोस्ट बन ही जाती है पर मंथ। बाकी अगर आप जूनियर लेवल पर भी जाते हो डेवऑप्स इंजीनियर, तो 80 to 100 के तो आपकी लगी जाएगी, क्योंकि इसका बहुत स्कोप है। देन नॉन टेक्निकल फील्ड्स आ गई हैं यहाँ पर, जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट नहीं है वो इनमें जा सकते हैं। बाकी अगर उनका जो मैंने पीछे फील्ड्स बताई हैं अगर उनमें से किसी एक फील्ड में इंटरेस्ट है, तो
वो उनमें भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते। मेरा एक दोस्त है, उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है और अभी वो एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर काम कर रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके साइबर सिक्योरिटी में आ गया। तो अगर आपका इंटरेस्ट और पैशन है तो आप कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप जो है वो वैसे टेक्नोलॉजी में आना चाह रहे हैं, आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है या स्टैटिक्स का है या जो भी फील्ड हैं दूसरी उनका है, तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं टेक्नोलॉजी में, तो ये कुछ फील्ड्स हैं जो कि स्पेशली आपके लिए हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट का बेसिकली काम ये होता है कि जो कोई भी बिजनेस रन हो रहा है उसको जो है मैनेज करना है। लाइक कोई एक बिजनेसमैन है, उसके पास टाइम नहीं होता कि वो ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करे, तो वो ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट रख लेगा। आपने जस्ट डेली उसकी ईमेल्स पढ़नी है, जो भी होगा उसको आपने रिस्पॉन्स कर देना है। इसी तरह आपने अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का नाम सुना होगा, वो क्या करता है कि अमेजोन का जो स्टोर चल रहा होता है उसको मैनेज कर रहा होता है। तो इसी तरह जो है वो बिजनेस लेवल पर भी इसका यूज़ होता है और एक इंडिविजुअल लेवल पर भी यूज़ होता है। अगर कोई पर्सन आपको हायर कर लेता है तो वो भी ठीक है, अगर कोई जो है वो बिजनेस आपको हायर कर लेते हैं तो वो भी ठीक है एज अ असिस्टेंट। आपने बस उन उनके जो है वो डेली टास्क करने होंगे। तो ये भी कोई इतनी मुश्किल जॉब नहीं है, जो नॉन टेक्निकल फील्ड्स वाले हैं वो इसको इजीली कर सकते हैं, बस इंग्लिश थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग। इसका आप लोगों को मुझसे बेहतर आइडिया होगा, जो नॉन टेक्निकल फील्ड्स वाले हैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोडिंग वगैरह या इस तरह कोई चक्कर नहीं है। आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जाएं, इवन के यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर दें, यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर। इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, यूआई यूएक्स डिजाइनर। यूआई यूएक्स डिजाइनर क्या होते हैं पता है किसी को? नो, एनीवन एल्स? यूजर इंटरफेस होता है, उनका काम क्या होता है, वो करते क्या? नो यूजर एक्सपीरियंस। बेसिकली जब भी कोई प्रोडक्ट बनती है, लाइक कोई एप्लीकेशन बन रही है एंड्रॉइड की, तो उसको पहले दिन ही ऐसे ही मुंह उठा के जो है वो कोड करना नहीं स्टार्ट कर देते। उसका पहले एक व्यू बनता है, उसके पहले विजेट्स बनते हैं कि यहाँ पर ये बटन होगा, यहाँ पर स्क्रॉल बार होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, सारा कुछ जो है वो डिज़ाइन किया होता है। अगर कोई वेबसाइट भी बननी है तो पहले से उसका डिज़ाइन रेडी किया होता है और फिर डेवलपर उस डिज़ाइन को देख के उस वेबसाइट को बनाता है, तो ये यूआई यूएक्स में आ जाता है। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडस्ट्री में। अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से भी हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, बाकी इसकी एवरेज सैलरी भी आपके सामने है। उसके बाद कंटेंट राइटर है। कंटेंट राइटर अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है ना, तो कंटेंट राइटर आपके लिए एक बेटर फील्ड हो सकती है। कंटेंट राइटिंग में आप हो सकता है किसी के ब्लॉग के लिए कोई कंटेंट लिखने, किसी के बिजनेस के लिए कोई कंटेंट लिखने, तो आपको जो है कोई बिजनेस वाले भी हायर कर सकते हैं, कोई इंडिविजुअल भी हायर कर सकता है, इवन के सॉफ्टवेयर हाउसेज ने भी कंटेंट राइटर रखे होते हैं। तो कंटेंट राइटर भी एक अच्छी फील्ड है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग। इसका आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, ये वो सॉरी। अच्छा, तो डिजिटल मार्केटिंग में भी अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप एक्सट्रोवर्ड हो, इंट्रोवर्ड नहीं, एक्सट्रोवर्ड हो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड भी नहीं है इतना ज़्यादा, तो फिर भी आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है आने वाले दौर में, ये और ज़्यादा एक्सपेंड करने वाली है। डिजिटल मार्केटिंग में जो है वो आपने सोशल मीडिया पर एड्स रन करनी होती है, जैसे कि आपको गूगल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या यूट्यूब पर एड्स नज़र आ रही होती हैं, तो ये सारे डिजिटल मार्केटर्स हैंडल कर रहे होते हैं। तो आप इंडिविजुअल भी वर्क कर सकते हो या किसी कंपनी में जाकर भी कर सकते हो, एज अ ग्रुप भी कर सकते हो, लेकिन ये है कि अच्छी फील्ड है अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें तो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इसकी सैलरी भी हाई होती है और इसका काम भी इतना नहीं होता। ये बड़ी मजे की जॉब है यार।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। इसमें होता यह है कि जब भी किसी सॉफ्टवेयर हाउस में कोई प्रोजेक्ट आता है ना, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जो कि प्रोजेक्ट और क्लाइंट के दरमियान होता है, यानी कि डेवलपर और क्लाइंट के दरमियान होता है। ये क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेता है, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेता है, सारा कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्स उससे लेगा, आपको समझाएगा कि ये करना है, हमने ये हमारी प्रोडक्ट है, इसके हमने 4 स्प्रिंट्स बनाने हैं, इस एक स्प्रिंट का इतना टाइम ड्यूरेशन होगा, और एक स्प्रिंट जो है वो एक एक स्प्रिंट जो है वो इस टाइम टाइम को, इस डेट को जो है वो हम रिलीज करने वाले। नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में नहीं आता, इसका अलहदा से डिपार्टमेंट ये अलहदा होता है, वो अलहदा बात है कि पाकिस्तान में जो है वो सारा काम एक ही बंदा कर रहा होता है, लेकिन जो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है वहाँ पर प्रॉपर हायरार्की बनी होती है, कि प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजर अलहदा होता है, उसके बाद जो है वो सारे, यानी कि एक हायरार्की बनी होती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का यही काम होता है कि उसने डेली आपके साथ, डेवलपर के साथ स्टैंड अप करना है, उसने आपको बताना है क्या अपडेट्स हैं, क्या क्लाइंट की तरफ से अपडेट्स आई हैं, आपकी तरफ से क्या अपडेट्स आई हैं, स्प्रिंट कहाँ तक पहुँचा है, और इसमें जो है वो आपको एजाइल मेथोडोलॉजी वगैरह का सही पता होना चाहिए, जो कि आजकल यूज़ हो रही है, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है, स्प्रिंट्स क्या होती हैं। इसके अलावा एक और कीवर्ड यूज़ होता है, अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा, वो भी उसमें जो है वो मीटिंग करते हैं डेली, तो उसको एक नाम देते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसके इवन के सैलरी भी अच्छी है, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स अगर बहुत अच्छी हैं ना, तो आप इसमें जा सकते हो। हाँ ठीक है, वो डिपेंड करता है ना कि आपको कोई कंपनी कौन सी हायर कर रही है, अगर कोई छोटे लेवल का सॉफ्टवेयर हाउस है तो वो उसी हिसाब से सैलरी ऑफर करेंगे, अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उसी हिसाब से आपको सैलरी ऑफर करेंगे। और लेकिन ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक अच्छी जॉब है, लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है कि लेट सपोज आपकी कंपनी में जो है वो रिएक्ट, पाइथन और फ्लटर का काम हो रहा है, तो आपको रिएक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पाइथन की भी नॉलेज होनी चाहिए, और आपको फ्लटर की भी होनी चाहिए, बस ऊपर ऊपर से नॉलेज हो कि ये काम ऐसे ऐसे हो रहा है, आपको करना चाहे ना भी आता हो, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि आप क्लाइंट को गाइड कर सको। ठीक है, देन हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, इसको भी आप देख लें, आपको इसका बेटर आइडिया होगा, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। इसमें आपको जो है वो ये है कि घर से बाहर जाना पड़ेगा ज़रा, लेकिन जो लोग एक्सट्रोवर्ट हैं उनका घूमने फिरने का अगर दिल करता है तो वो इस फील्ड में जा सकते हैं, इसकी एवरेज सैलरी भी आपके सामने लिखी हुई है। अभी एक और चीज़ कि जो लोग तो यहाँ पर CS IT और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आए हैं, उनके लिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि वो टेक्निकल फील्ड्स को ज़्यादा प्रेफर करें, कि आप BS कंप्यूटर साइंस कर रहे हो और आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा रहे हो, तो आई थिंक इट्स अ बैड थिंग कि आप BS कंप्यूटर साइंस करके फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा रहे हो, तो आप वैसे ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग में चले जाते, कंप्यूटर साइंस करने की क्या ज़रूरत थी। तो अगर आप कोई BS कंप्यूटर साइंस SC या IT कर रहे हो, तो आप टेक्निकल फील्ड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दो, और टेक्निकल फील्ड्स में भी आप कोडिंग वाली फील्ड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दो, अगर आपका, आप समझते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरा इतना स्टेमिना नहीं है, तो आप फ्लटर में आ जाओ या CMS में आ जाओ, कुछ ऐसे सोल्यूशन में आ जाओ जिसमें कोड ना हो, या नेटवर्किंग में आ जाओ, क्लाउड में आ जाओ, अगर वो भी नहीं ना आपसे होता कि अब मैं ये टेक्निकल फील्ड में कर ही नहीं सकता, फिर आप नॉन टेक्निकल फील्ड्स में आ जाओ, वीडियोग्राफिक में आ जाओ, UI UX डिज़ाइनर में आ जाओ, या कॉन्टेंट राइटर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ों में आ जाओ। हाँ पाइथन का मैंने बताया नहीं, पाइथन का मैंने बैकएंड डेवलपमेंट में बताया तो था, AI में भी पाइथन ही यूज़ होती है, सॉरी मैं ज़रा भूल गया, लेकिन AI डेवलपमेंट में भी, AI में या डाटा साइंस में पाइथन ही यूज़ हो रही है। बाकी अब आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैं कराची से हूँ, मेरा नाम खुर्रम है। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा समझाया है। और मैं एक्चुअली ये एक बात वो कहनी थी कि आपने माशाल्लाह फोटोग्राफर के बारे में बताया, हर चीज़ के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया, और जैसे ई कॉमर्स होता है, अमेजोन है। मेरे पास कुछ है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से काम कर रहा हूँ एक कंपनी में, अकाउंट ऑफ में एज अ स्टाफ ऑन में।
तो मैं एक और मैसेज ये कहूंगा आप सबको कि भाई जिसकी फील्ड अकाउंटिंग की है वो उसमें घुसे, और वो जिस तरह लिंक्डइन में अपनी प्रॉपर प्रोफाइल्स बनाए और अपने क्लाइंट्स को हायर करे, उससे जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होती हैं, कोई बुक्स है, एक्जीरो है, गुस्टो है, Bill.com है, ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये सारे अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर ये 1040, 1099 ये सारे टैक्सेस के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आप सबसे बस ये इल्तिजा करूंगा कि मैंने बहुत चीजें देखी हैं बीयू में कि बच लोग डिग्री ले लेते हैं और फिर उसके बाद उनको समझ नहीं आता कि वो करें क्या। तो जिसमें जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है ना जिसको, वो उसमें घुसे और उसमें नॉलेज हासिल करे। बिल्कुल ऐसे। और जितना देखे ना यूट्यूब में अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें हैं, आप यूट्यूब में देखें सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप ये पूरी पूरी वीडियोस बनी हुई हैं स्टेप बाय स्टेप। देखें मुश्किल होगी, स्टेप होने में मुश्किल होगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप खुद कहेंगे कि यार ये वक्त गुजर गया, अब वो जिस खड़े में हो आपको जो आपके नसीब में लिखा है वो आपका मिलेगा, मेहनत है इसमें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच खुर्रम आपका। तो एट द एंड यही कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसी में जाएं। अब ये भी अभी तक भी कुछ लोगों को ये समझ नहीं आई होगी कि उनकी इंटरेस्ट की फील्ड कौन सी है। मैंने आपको कहा था कि इस सेशन में आपको ये चीज़ मैं प्रॉपर बता दूंगा कि ये आपकी इंटरेस्ट की फील्ड है और ये आपके लिए बेस्ट है और आपका ये मिशन और ये गोल होना चाहिए। तो इसमें एक और छोटी सी चीज़ है, मैं वो ऐड करता चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर सर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा ब्रदर, ऐसा है कि मैं खुद एक प्रोफेशनल इंसान हूँ और मैं एज ए डिप्टी फील्ड मैनेजर काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। तकरीबन कुछ 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा जो मेरा शौक है, जो मेरा प्रोफेशन है, तकरीबन 2008 से मैं लेके चल रहा हूँ आईटी वाली सी फील्ड में। फ्रीलांसिंग में मैंने काफ़ी सारा काम किया हुआ है, काफ़ी सारे फाइवर अपवर, काफ़ी हर तरह के। अब भी थोड़ा सा मैं इन हुआ हूँ इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बारे में। आप ठीक मुझे है। कोई बेटर गाइड कर सकते हैं कि इसको प्रॉपर सीखने के लिए पाकिस्तान में कोई ऐसी इंस्टीट्यूट या यूट्यूब या कहें और कोई कोर्सेज वगैरह के बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन दे दे। थैंक यू ठीक सो है, मच, मैं वही चीज़ आपको जो है वो अब बताने लगा था। ठीक जजाकल्लाह। है, अब इन चीज़ों को हमने जो है भाई भाई साइबर सिक्योरिटी में कौन सी लैंग्वेज चूज, साइबर सिक्योरिटी में सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, जो भी आपको आती हैं जितनी मैक्सिमम आएंगी वो उतना ही आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि हैकर कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करके अटैक करने वाला है, लेकिन मोस्टली पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट प्रेफर की जाती है। अच्छा, इन चीज़ों को आपने सीखना कैसे है? कि लेट्स सपोज किसी बंदे ने जो है वो फ्लटर डेवलपमेंट सीखनी है, फ्लटर ट्यूटोरियल ठीक है, या फ्लटर फुल कोर्स, यहाँ पर यूट्यूब पर आए फुल कोर्स। यहाँ पर जो भी आपने डन करना है यहाँ पर फुल कोर्स कर लेना, यहाँ पर आपने इसका फिल्टर लगा लेना है प्लेलिस्ट, कि हमें सिर्फ प्लेलिस्ट शो हो। तो यहाँ पर देखेंगे फ्लटर की यहाँ पर कितनी ही प्लेलिस्ट आ जाएंगी, लेकिन आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, आपने इन सब की एक एक दो दो वीडियोस देखनी है, और जिस बंदे की आपको सही समझ आए ना उसकी आपने पूरी प्लेलिस्ट देख लेनी है। लेट्स सपोज मैं आपको नेटवर्किंग की कोई दिखाता हूँ, नेटवर्किंग CCNA ठीक है। अगर कोई बंदा नेटवर्किंग में लेट्स सपोज जाना चाहता है, यहाँ से फिल्टर लगाएगा प्लेलिस्ट का, और प्लेलिस्ट में यहाँ पर सारी की सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। और मेरा जो फेवरेट बंदा है ये वाला है, नेटवर्किंग अगर आपने सीखनी है, या इसने आई थिंक क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स पर भी कुछ क्लासेस दी हुई हैं, तो ये इसकी एक प्लेलिस्ट है। अगर कोई बंदा ये कर लेता है नेटवर्क बेसिक्स, उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी और की समझ आती है तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो, ये कोई चीज़ नहीं है। आप सबसे पहले आप ये करो कि यूट्यूब से सीखो, चीज़ों को समझो। कि लेट्स सपोज कोई फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना चाहता है, वो पहले यहाँ पर सीखेगा यूट्यूब से, चीज़ों को हैंड ऑन करेगा यूट्यूब से, सारी चीज़ें जब उसे हैंड ऑन हो जाएंगे, उसे ऐसा लगे कि मैं काफ़ी हद तक काम करने के काफ़ी लोग हैं, फिर वो जाए कोर्सेरा पर, और कोर्सेरा पर जो है जाके फ्री कोर्स अवेल करे, कोर्सेरा फाइनेंशियल एड। कोर्सेरा का एक फीचर है फाइनेंशियल एड का, उसमें ये होता है कि आप किसी भी कोर्स को जो है वो फ्री में गेट कर सकते हो। अच्छा, जिन लोगों को कोर्सेरा का नहीं पता मैं आपको बता दूं, कोर्सेरा एक वेबसाइट है जहां पर जाके आप कोर्सेज कर सकते हो, वहां पर डिफरेंट टॉप यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज होती हैं, गूगल के, मेटा के, IBM के, टॉप कंपनीज के कोर्सेज होती हैं,
तो ये देखें यहाँ पर, ये टॉप यानी कि टॉप नो यूनिवर्सिटीज़ और कंपनीज के यहाँ पर कोर्सेज हैं। तो जब आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप आ जाओ सर्टिफिकेशंस की तरफ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस हैं तो ऑब्वियसली आपका जो है वो सीवी पर थोड़ा बहुत इम्पेक्ट तो पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आके आपको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सारे कोर्सेज जो है वो पेड है। लाइक ये मैं अगर डाटा एनालिस्ट में जाता हूँ तो सारे कोर्सेज यहाँ पर पेड होंगे, लेकिन इनका एक फीचर है फाइनेंशियल एड वाला, ये वाला। इसको यूज करके आप कोर्सेरा का कोई भी कोर्स फ्री में ले सकते हो। यहाँ पर आपने गूगल सॉरी यूट्यूब में जाके लिखना है कोर्सेरा फाइनेंशियल एड, यहाँ से एक दो वीडियो देख लें। इसका मेथड सेम ही होता है फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करने का, अभी टाइम थोड़ा है अदरवाइज मैं आपको करके दिखा देता। तो यहाँ से आपने किसी भी कोर्स के लिए फाइनेंशियल एड में अप्लाई कर देना है, 15 दिन के बाद वो कोर्स आपका अप्रूव हो जाएगा, फिर आप उस कोर्स को फ्री में कर सकते हो। तो पहले आप यूट्यूब से सीखो, यूट्यूब से जब आप थोड़ा बहुत सीख जाओ फिर आप फ्री में कोर्सेरा से सर्टिफिकेशन कर सकते हो। यह हमने सर्टिफिकेशन करनी है क्योंकि आता तो हमें पहले ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कोर्सेज हैं कोर्सेरा पर वो बड़े हाई लेवल के हैं। लाइक वो अगर कोई पहले दिन ही चाह के बंदा यहाँ से सीखना स्टार्ट कर देगा तो उसको समय नहीं आएगा, इसलिए मैंने कहा कि आपने पहले यूट्यूब पर जाना है। अच्छा, फिर भी अब भी अगर किसी को ये नहीं समझ आए कि उसने उसके लिए कौन सी फील्ड ज़्यादा बेहतर है, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, इवन के ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अपनी आप अपनी अपनी पर्सनैलिटी टाइप्स किसी को पता है कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप्स क्या है? चैट बॉक्स में बताएं मुझे। पर्सनैलिटी टाइप क्या है आपकी? इंट्रोवर्ट। अच्छा, पर्सनैलिटी टाइप्स होती कितनी है? ठीक है सर, आप ब्लैक एंड माइंड हैं, लेकिन ये पर्सनैलिटी टाइप नहीं होती। पर्सनैलिटी टाइप्स होती कितनी है ये मुझे बताएगा कोई? ठीक ठीक है, और कोई बताएगा कि पर्सनैलिटी टाइप्स कितनी होती हैं? ठीक है, तो पर्सनैलिटी टाइप्स बेसिकली ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो तो मैं कहता हूँ कि हर बंदे को सीखना चाहिए, चाहे वो आईटी फील्ड से है या नहीं है। इवन के अगर बच्चा जब मैट्रिक में होता है ना उसको पर्सनैलिटी टाइप्स ही पास होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इनका। बिल्कुल, 16 पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं और हर बंदे को अपनी अपनी पर्सनैलिटी टाइप का पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आपने कैसे फाइंड करना है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपने यूट्यूब पर जाना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है पर्सनैलिटी टाइप्स और कासिम अली शाह आपने लिख देना है। यहाँ पर ये पहली दो वीडियोस, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर एक तो और होगी। इस बंदे की सारी वीडियोस देख लें, ये वाला बंदा जो है ना, आप सारी देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कैरियर काउंसलिंग वाली, ये एक ये वाली और ये फर्स्ट वाली, दो ये तीन तो आपने लाजमी करनी है। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहें और इसमें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो पर्सनैलिटी टाइप का हर बंदे को पता होना चाहिए कि उसकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, और पर्सनैलिटी टाइप के लिहाज से वो अगर अपनी फील्ड सेलेक्ट करता है ना तो वो एक बेस्ट कम्बिनेशन बनता है। लेट्स सपोज अगर कोई एक्सट्रोवर्ट बंदा है ना, उसको मैं कह दूं कि जाओ भाई आप पाइथन सीख लो, वो कभी भी पाइथन का अच्छा डेवलपर बन ही नहीं सकता है, चाहे वो उसका इंटरेस्ट हो लेकिन वो वक्ती तौर पर होगा, एट द एंड वो कभी भी एक अच्छा पाइथन डेवलपर नहीं बन सकता। लेकिन अगर कोई इंट्रोवर्ट बंदा है वो मे भी बन जाए। अगर कोई इंट्रोवर्ट बंदा है मैं उसे कह दूं कि आपने जो है वो मार्केटिंग करनी है, आपने जो है वो पब्लिक में जाके कोई भी इंट्रैक्शन करनी है, तो वो कभी भी वो काम नहीं कर सकता। तो पर्सनैलिटी टाइप आप हर आप जो है वो हर एक बंदा इसको फाइंड करें कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, फिर उस लिहाज से आप अपनी फील्ड सिलेक्ट करें। लेट्स सपोज आपने ये सारी वीडियोस देख ली, आपने देखा कि आपकी जो पर्सनैलिटी टाइप आई है वो आई है जी INFP। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ INFP कैरियर इन IT। अभी यहाँ पर जो है वो काफ़ी वेबसाइट्स आ जाएंगी, मैं फर्स्ट वाली पे चला जाता हूँ। इसके लिए आप चैट जीपीटी का भी सहारा ले सकते हैं, चैट जीपीटी को बता दें कि मेरी ये
पर्सनैलिटी टाइप है, मैं आईटी में जाना चाहता हूँ, कौन कौन सी फील्ड्स मेरे लिए बेस्ट हैं, तो वो अभी आपको बता देगा। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर कुछ ये उसने बताया हुआ है कि INFP क्या होता है, इंट्रोवर्ट होता है और फीलिंग, और ये इसकी 16 टोटल टाइप होती हैं, चार चार का पेयर होता है। यहाँ पर ये देखें, एक अच्छा कॉपी राइटर हो सकता है, फिल्म एडिटर हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनर हो सकता है, फोटोग्राफर हो सकता है। अगर ये पर्सनैलिटी टाइप वाला बंदा वीडियोग्राफिक में जाता है या फोटोग्राफिक में जाता है या फिल्म एडिटिंग में जाता है, तो वो उसका बेस्ट कम्बिनेशन होगा एज कम्पेयर टू कि वो कोडिंग में जाएगा। चाहे वो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हो लेकिन उसका कोडिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा जितना इन चीज़ों में होगा, क्योंकि उस बाय नेचर उसमें वो चीज़ है और नेचर कभी भी नहीं बदलती। आप जो है वो थोड़ा बदलने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन एट द एंड आपकी नेचर वही रहेगी। ये देखें, बिजनेस में वो इन फील्ड्स में जा सकता है, टेक्नोलॉजी में 3D आर्टिस्ट बन सकता है, UX डिजाइनर बन सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन हो? काफी हो गया है, आई थिंक हमें अब क्लोज करना चाहिए। प्रोग्रामिंग सीखना चाह वो तो सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें अगर जीरो नॉलेज? सबसे पहले आप ये देखें कि आपने जाना कहाँ पर है। हमारा मेन मसला ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। जितनी फील्ड्स मैंने आपको बताई हैं इनमें से पहले सेलेक्ट करें कि आपने कहाँ पर जाना है, आपने क्या बैकएंड डेवलपर बनना है, आपने फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, आपने बैकएंड में जाना है तो फिर आपने किस टेक स्टैक में जाना है, आपने क्या इसमें जाना है, पाइथन में जाना है, PHP में जाना है, नोड में जाना है, अगर आप फ्रंट एंड में जाना चाह रहे हो किस में जाना है, तो ये सब डिसाइड करके फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी लैंग्वेज सीखनी। हाँ, वेब डेवलपमेंट, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर और UI/UX डिजाइनर भी हो फिर तो अच्छी बात है ना, क्योंकि पहले UI/UX डिजाइनर एक डिजाइन बनाता है फिर फ्रंट एंड डेवलपर उसको डिजाइन करता है, तो दोनों काम एक बंदा ही कर रहा हो तो कंपनी उसको डबल पे भी हायर कर लेती है। जी, आपके सवालात के लिए ही बैठा हूँ, पूछें क्या जी सवाल है। सर, वालेकुम सलाम, पढ़िए। मेरा आपसे दो सवाल है, हमजा मुखातिब हूँ मैं आपसे। पहला सवाल मेरा ये है कि अगर हम पाकिस्तान की लोकल मार्केट के बारे में देखें तो यहाँ पे आपको क्लाइंट मिल जाते हैं जिनको अपने लिए या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी ना किसी प्रोडक्ट की जरूरत होती है, तो वो हमें कह देते हैं कि बना दी, एज अ डेवलपर बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हम बड़ी कंपनीज में जाते हैं, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अब वो तो हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे होते, तो वो अपने डेवलपर को किस तरह मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे होते हैं उस वक्त? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम देखते हैं कि हमारा आज का AI का मॉडल इतना ट्रेन हो चुका है कि वो एक डेवलपर को डायरेक्टली हेल्प कर रहा है, लेकिन जिस तरह आपकी फील्ड है साइबर सिक्योरिटी या डेवऑप्स वगैरह, इनको भी उसने डायरेक्टली हिट नहीं किया, तो आने वाली दहाइयों में आपके क्या अल्फाज हैं इस चीज के ऊपर? क्या डेवलपर की जरूरत किसी हद तक कम हो सकती है? बड़ा अच्छा सवाल किया है हमजा आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपका पहला क्वेश्चन है कि मेटा और गूगल जैसी कंपनीज इतनी जल्दी अपडेट्स नहीं करती तो अपने डेवलपर्स को क्या काम करवाती। अब देखें, ये गूगल ने जेमिनाई यूज अभी जो है रिसेंटली लॉन्च किया, तो जेमिनाई लॉन्च करने में कोई ना कोई तो है वो इनकी सालों की मेहनत तो होगी ना। और इसके बाद यूट्यूब पर देखें आप, कोई ना कोई जो है वो हर महीने बाद अपडेट हो रही होती है, फेसबुक में कोई ना कोई अपडेट आ रही होती है, तो ये सारी सारी अपडेट्स जो हैं ये डेवलपर्स ही कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक दिन सोचा और दूसरे दिन अपडेट कर दिया। अगर कोई चीज़ आज अपडेट हुई है तो हो सकता है 6 महीने पहले उन्होंने वो सारा एग्रीमेंट करके रख लिया हो, फिर जो है वो सारा एक प्रोसेस के थ्रू गुजर के फिर अपडेट रिलीज होती है। और दूसरा क्वेश्चन आपका कि AI ने इफेक्ट किया है डेवलपर्स को कि नहीं, तो बिल्कुल किया है, डेवलपर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो गई। मैं तो इवन के अपने दोस्तों को कहता हूँ कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी ना, वो जब ये देखेंगे कि यार ये लोग ChatGPT के बगैर कोड करते थे, ये कितने पागल थे, तो ये है कि काफ़ी हद तक इफेक्ट किया है। लेकिन जो क्वालिटी इंजीनियर्स हैं उनको कभी भी AI रिप्लेस नहीं कर सकती। दो चीज़ें होती हैं, दो तरह के लोग हैं, एक होते हैं सिर्फ डेवलपर्स, एक होते हैं इंजीनियर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर में क्या डिफरेंस है, कोई ये बताएगा?
आलिया, आप नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, ये जो मैंने आपको चैनल अभी दिखाया था, इसका नाम था आई थिंक टेक्निकल गुफ्तगू के नाम से एक चैनल है, वो आप देख लेना। ठीक है। अच्छा, हम 6G के डेवलपर और इंजीनियर पर, डेवलपर बेसिकली ये होता है कि उसे जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसने बस वैसा कोड कर दिया, दैट्स इट। और इंजीनियर वो होता है जो कि किसी भी सिस्टम का आर्किटेक्चर डिजाइन करता है कि इसमें हम डेटाबेस कौन सा यूज करेंगे, प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा, इसके इसमें जो है वो कौन सी कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे, MVC आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे, MVT आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे, इसमें हम मोनोलिथिक अप्रोच यूज़ करेंगे या माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे। तो ये सारा चीज़ जो है ना, ये एक आर्किटेक्चर का जो है, या हमारा कोड ऐसा, एक इंजीनियर जब कोड करेगा ना, वो उसका कोड इतना फ्लेक्सिबल होगा ना, इतना स्केलेबल होगा ना, तो कल वो 10 साल के बाद भी वो कोड यूजेबल होगा। लेकिन जो डेवलपर होता है उसका बस कोड चलना चाहिए, लेकिन इंजीनियर का कोड स्केलेबल होता है। तो AI वाकई रिप्लेस कर सकती है, लेकिन डेवलपर्स को, इंजीनियर्स को बिल्कुल नहीं, क्योंकि AI जो कोड लिखती है वो बस चल जाता है, AI वो ये नहीं पता कि आज से 5 साल बाद भी वो काम आएगा या नहीं। ठीक है, अगर आप नेटवर्किंग में जाना चाह रहे हैं तो आप पहले नेटवर्क बेसिक्स वगैरह को स्टडी कर लें, उसके बाद CCNA का कोई वोचर वगैरह देख लें। CCNA इवन हो जाए तो ठीक है, CCNA करके आप किसी जॉब वगैरह पर चले जाएं और उसके बाद कंपनी के खाते से CCNP करें। वेब डेवलपमेंट पर AI का यही इफेक्ट है कि अगर आप क्वालिटी डेवलपर हो तो आपको रिप्लेस नहीं कर सकती AI। अगर बस आप वो डेवलपर हो जिसको बस कोड चलने से गर्ज है, तो फिर आपकी लाइफ खतरे में। गॉट माई आंसर, AI रिप्लेस कर सकती है डेवलपर्स को, इंजीनियर्स को नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही है भाई, AI ज़्यादा बेस्ट है या साइबर सिक्योरिटी? यार दोनों डिफरेंट फील्ड हैं, AI डिफरेंट चीज़ है, साइबर सिक्योरिटी डिफरेंट चीज़ है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप, आपके लिए क्या बेस्ट है। मैं तो ये कहूँगा कि आप अपनी पर्सनालिटी टाइप पहले फाइंड करें, फिर उस लिहाज से देखें कि आपके लिए कौन सी फील्ड ज़्यादा सूटेबल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी तो करंटली आप क्या कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, CCNA वाले और CCNP वाले? भाई थर्ड सेमेस्टर फिनिश हुआ है और C++ आती है, बस नेक्स्ट वेब डेवलपमेंट करनी है, कंप्लीट रोड मैप क्या होगा। वेब डेवलपमेंट वाले ये देखे नहीं कि फ्रंट एंड में जाना है या बैक एंड में जाना है, और ये जब आप डिसाइड करेंगे फिर उसी हिसाब से ही है ना। और कभी भी जो है वो फुल स्टैक डेवलपर पहले दिन से बनना ना स्टार्ट कर दें, पहले आप फ्रंट एंड बने या पहले बैक एंड बने, फिर आप स्विच कर सकते हैं फुल स्टैक के लिए। ओ एहसान, आपका दोस्त मजदूर, वो ChatGPT उसको डेवलपर बनाया है। अब मुझे याद नहीं किस एहसान की बात कर रहे हैं आप। यस इन, यार वो BSIT वाले ग्रुप में नहीं था माजू, हाँ, वो तो BS मैथ जिसमें कर रहा है, आपने, वो तो BS मैथ कर रहा है। हाँ, जिसमें आपने फर्स्ट टाइम अपना चैट बोर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था। यार चुप हाँ करो, चुप कर दो, इसको छोड़ दो। हाँ बिल्कुल, इसको छोड़ दो। यस इन नादरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे आप दोनों एक्सपोज करोगे, तीसरी मैं एक्सपोज कर दूं, मैं तो आओ। नहीं, नहीं बस बस नहीं वो हम, ये यार बाद वो में हमारी डिस्कस कोडिंग करेंगे, वाली, बाद में हम डिस्कस करेंगे जी। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा ब्रो, अगर हम अभी फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करें तो एक क्वालिटी डेवलपर कैसे बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है ना कि आप, आपका पैशन क्या है। मेरा एक दोस्त है, उसने आज से तकरीबन 7-8 मंथ पहले स्टार्ट किया था, और फिर उसने रिएक्ट जीएस सीखी, नेक्स्ट सीखी, और अभी माशाल्लाह वो इस्लामाबाद की कंपनी में जो है वो एक रिमोट जॉब कर रहा है, और अच्छी खासी पे है, और
एट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, सुपीरियर में पढ़ रहा है अभी। वर्डप्रेस में कौन सी लैंग्वेज यूज, वर्डप्रेस में आपको कोड नहीं करना पड़ता, अगर आप कस्टम थीम्स की तरफ जाते हो तो फिर आपको PHP सीखनी पड़ती है। एनी हो, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अगर आपका नेटवर्किंग में एक्सपीरियंस है तो साइबर सिक्योरिटी में आपके लिए काफ़ी आसानियाँ होंगी, क्योंकि नेटवर्किंग जो है वो बेस है साइबर सिक्योरिटी की। वर्डप्रेस और वेब डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? वर्डप्रेस में ये है कि आपको कोड नहीं करना पड़ता, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वेबसाइट बना लेते हो, और वेब डेवलपमेंट में जो आपको कोड करके फिर बनानी पड़ती है। कैरियर डेवलपमेंट इन साइबर सिक्योरिटी, व्हाट आई कैन डू डेवऑप्स आल्सो। आप एक फील्ड को सिलेक्ट करें ना, आप नेटवर्किंग में जाएं या क्या डेवऑप्स में जाएं या साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि कभी भी इनिशियली ज़्यादा फील्ड्स को कभी भी सिलेक्ट ना करें, पहले एक फील्ड को सिलेक्ट करें। अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी लेवल पर, फिर आप थोड़ा बहुत स्विच भी कर सकते हैं। अगर मैथ अच्छा ना हो तो पाइथन सीख, हाँ जी सीख सकते हैं आप, वेब डेवलपमेंट की तरफ चले जाएं, AI की तरफ ना जाएं। मैथ ना अच्छा हो तो हो जाएगा, मेरा अपना अच्छा नहीं है। जज़ाकअल्लाह फॉर अमेजिंग सेशन। ठीक है, आमीन आमीन। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? आप लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चन यही होते हैं कि सर मैं क्या सीखूं, मैं फ्लटर सीखूं, मैं ये सीखूं वो सीखूं, तो अभी पूछ लें किसी का कोई क्वेश्चन है तो। आज के बाद ये क्वेश्चन मुझसे कोई ना करे मैं क्या सीखूं, क्योंकि मैं सजेस्ट नहीं कर सकता। आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप फाइंड करो और आप खुद फाइंड कर सकते हो कि आपने क्या सीखी। ठीक है, आप अगर जॉब कर रहे हो नेटवर्क टेलीकॉम में तो वो भी आप कंटिन्यू रखो, और साथ साथ जो है वो सिक्योरिटी को भी सीखना स्टार्ट कर दो, लाइक लिनक्स वगैरह और एक आध प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस तरह फिर ये आप जो है वो ये भी सिलेक्ट कर लो कि आपने ऑफेंसिव साइड पर जाना है या डिफेंसिव पर। अजी बिल्कुल, पाइथन बैकएंड पर ही यूज़ होती है, फ्रंट एंड पर नहीं होती। फ्रंट एंड के लिए कुछ फ्रेमवर्क्स हैं इसके बने हुए, लेकिन यूज़ नहीं होती। साइबर सिक्योरिटी कैसे सीख सकते हैं? साइबर सिक्योरिटी मैंने आपको पहले भी बताया कि साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए 3 साल के लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, और आपका पैशन जो है ना वो एक होता है शौक, एक होता है जुनून। जुनून होना चाहिए फिर आप साइबर सिक्योरिटी में कहीं पर जा सकते हैं। लेकिन ये है कि जब आप किसी लेवल पर पहुंच जाओगे ना तो आप सबसे आगे होगे, यानी कि पे में भी और वैसे भी पर्सनैलिटी में भी। और एक्सट्रोवर्ट बंदा कभी भी साइबर सिक्योरिटी में ना आए। विंडोज पे वर्डप्रेस जी, वर्डप्रेस हो जाएगी, उसमें से हम सर्वर इंस्टॉल करें तो वर्डप्रेस चल जाएगी। और किसी का कोई क्वेश्चन? यार फ्लास्क के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, उसमें कर दूँ जी, मैसेज कर दें, मैं देखूँगा। ठीक है, माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है आपका। यस भाई, आज आपने माशाल्लाह बहुत कुछ बता दिया, जज़ाकअल्लाह फॉर प्रीवियस टाइम। आमीन आमीन। बाकी आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आया तो मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इस तरह के कुछ सेशंस अरेंज करूं, लेकिन यह कि पहले आप ये चीज़ें सीख लो, फिर हम सेशन करेंगे कि हमने जॉब कैसे फाइंड करनी है, और हमने जो है वो इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, CV कैसे बनानी है, सारी चीज़ें। इवन के करंटली मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसके लिए मैंने किसी जॉब पोर्टल पर जाकर अप्लाई नहीं किया, मैंने सीधा जो CEO है कंपनी का उसको लिंक्डइन पर जाके मैसेज किया, साथ में CV भेजी, उसने मुझे एक ईमेल एड्रेस भेज दिया कि आप इस पर अपनी CV ड्रॉप कर दें। वहाँ पर जाके अपनी मैंने CV भेजी और विद इन अ वीक HR की कॉल आ गई, और फिर उन्होंने मेरे 5 इंटरव्यूज लिए और फिर मुझे सेलेक्ट किया। लेकिन ये है कि अच्छा हो गया, अच्छी जगह। प्रेशर के लिए जॉब बेस्ट है। अच्छा एक और चीज, आपने एक क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे, एक नहीं बल्कि 2-3 क्वेश्चन है कि क्या VU की डिग्री बाकी को वैल्यूएबल है मार्केट में या नहीं? यस वैल्यूएबल है। अच्छा एक साइड पर जो है वो फास्ट का बच्चा हो, एक साइड पर VU का बच्चा हो, तो इंटरव्यूअर किसको प्रेफर देगा?
देखो यार, मैंने जो अपने इंटरव्यूज में देखा है ना, वो वीयू के बच्चों को ना उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितनी के फास्ट यूनिवर्सिटी या UMT के बच्चों को, या जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है। यार एक बच्चा जो है वो 20 लाख लाख लगा के डिग्री करके आ रहा है, और आप यहाँ पर 1.5 लाख में करके जा रहे हो, तो वो लैग होता है सबसे बड़ा। और वो जो पॉइंट हिट करते हैं ना, वो ये करते हैं कि जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं ना, वो जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, टीम वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो हाई होता है, उनमें टीम वर्क करने की वो जो चीज़ें हैं ना, एक्सपोजर वो आता है। और VU के स्टूडेंट्स जो है ना, इस चीज़ को बड़ा लैक करते हैं कि उनमें ये चीज़ नहीं होती, टीम वर्क नहीं होता, कॉन्फिडेंस से बात करना नहीं आता उनको, प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं होती। ये सारी चीज़ें भी एक सॉफ्टवेयर हाउस या कंपनी मांगती है, ऐसा नहीं कि उन्हें बस कोड करना ही चाहिए, ये सारी चीजें भी उन्हें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो VU की डिग्री का है, लेकिन ये है कि अगर आपके साथ आपका स्किल सेट भी वही है, और एक साइड पर UMT का बच्चा बैठा है, उसका भी स्किल सेट वही है, तो ऑब्वियसली जो है वो उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसमें जो चीज़ है ना, उसने जो एक्सपोजर लिया हुआ है यूनिवर्सिटी में जाके, प्रेजेंटेशन का ये वो सारी चीज़ें, वो एक VU के बच्चे में नहीं होती। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। अगर हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हों जो CV में मेंशन किए, तो चांसेस। हाँ जी बिल्कुल, आप अपनी अच्छी सी गिटहब पर फाइल सेटअप करें, वहाँ पर 5-6 अच्छे प्रोजेक्ट्स लगाएं, और उनको लिंक्डइन पर भी फॉरवर्ड करें और CV में भी ऐड करें, आपका अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। यूनिवर्सिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फास्ट में जाके पढ़ना स्टार्ट कर दो, यूनिवर्सिटी ये ही सही है, लेकिन ये है कि जल्द से जल्द जो है ना, वो चीज़ें भी अपने आप ने डेवलप करना स्टार्ट कर दो, कि आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, कॉन्फिडेंस हो, आपने टीम वर्क हो, थोड़ा एक्सपोजर हो, तो वो चीज़ें आपको कंपनी में जाके ही मिल सकती हैं। नहीं, VU छोड़ ना दें, मैंने ये नहीं कहा कि आप VU छोड़ दें, लेकिन आपको ये मैं एक वीक पॉइंट बता रहा हूँ, और वाकई ही ये एक वीक पॉइंट है, हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है, मैं आपको ये कह रहा हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी आपका होना चाहिए था कि क्या CGPA मैटर करता है या नहीं। डिग्री की वैल्यू मैं कह रहा हूँ कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री से कम ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह है कि जब आपके पास स्किल सेट होता है, आपके पास एक्सपर्टीज़ है, फिर ऑब्वियसली आपको प्रेफर किया जाता है। जी, आलिया क्या क्वेश्चन पूछा है, शायद आपका स्किप हो गया होगा, आप दोबारा यहाँ पर। जी, बिल्कुल, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आपको ऑफर्स आती हैं, बिल्कुल आती हैं। जी, बिल्कुल, नेक्स्ट भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के सेशन होने चाहिए। अच्छा, CGPA का जो है वो ये सीन है कि अगर आपकी फर्स्ट जॉब है ना, तो CGPA बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, तो CGPA से ही वो इंटरव्यू और आपका अंदाजा लगाता है, लेकिन जब आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर CGPA को कोई नहीं पूछता। जी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट करेंगे, ये जितनी भी मैंने फील्ड बताई हैं, इन सब की जॉब्स अवेलेबल हैं, खासकर जो टेक्निकल फील्ड हैं उनकी तो सबकी जॉब्स हैं।
ठीक है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अदरवाइज मैं मीटिंग को फिर एंड कर रहा हूँ। इवन आपकी हर बुक का सीजी पे काम कर दी। सॉफ्टवेयर हाउस में पाइथन की जॉब अगर करनी हो तो बेसिक लेवल पर पाइथन सीखनी है या एडवांस पर? ऑब्वियसली जितनी आपको ज़्यादा आती होगी उतना आपका ज़्यादा चांसेस है। पाइथन में जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं, लाइक एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग है, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग है, डेकोरेटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट को सीखें। मनोला थैंक्स, शुक्रिया। मैं मनु इश्क साहिब। अच्छा जी, इस सेशन की रिकॉर्डिंग वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दें, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए अगर आप बिगनर हो तो फाइवर पर जाओ, अगर आपका काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया फिर आप अपवर्क की तरफ मूव कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन आपका? मेरा गला जो है ना वो दर्द करने लग गया है, इतना मैंने 1 महीने में नहीं बोलना था, लेकिन यह है कि इस सेशन का कोई फायदा होना चाहिए कि मुझे भी आउटपुट आए, कि लाइक आगे रमजान आ रहा है, छुट्टियां भी हैं, तो कुछ ना कुछ लाजमी करें, वेले ना रहें। सर जी आप अपना हैंड रेज कर दें, जिसको भी कोई क्वेश्चन है, अगर माइक उसे अनम्यूट करवाना है तो हैंड रेज कर दें। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मैं IBM या माइक्रोसॉफ्ट या कुछ पैसे, ठीक है, आप IBM वगैरह में जाना चाहते हैं तो आप पहले कोई एक्सपीरियंस तो ले ना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मांगते हैं 4-5 साल का, तो इतना एक्सपीरियंस हो के लिए। जी यूट्यूब पर जाके आप वीयू लेजेंड्स लिखेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। फाइवर पर ऑर्डर नहीं लग रहा यार, ऑर्डर नहीं लग रहा, ये फिर आपका मसला है कि आप, आपका वो उस तरह का काम नहीं आप कर सकते हैं या कुछ भी इस तरह का। तो अगर आपका 9 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करेंगे, जॉब्स आती रहती हैं। आई थिंक ये लास्ट टाइम मेटा की आई हुई थी, तो अगर आप इतनी कैपेबिलिटी है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर इट। चलें लगे रहें, लेकिन यह है कि जब आपकी प्रोफाइल रैंक कर जाएगी तो आपको फायदा ही है। नहीं, इतना डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, इवन के बैकएंड का कोड AI जल्दी से जनरेट कर देता है, फ्रंट एंड का कोड नहीं कर सकता AI, क्योंकि फ्रंट एंड का अगर वो कर भी दे ना एक बटन, वो टॉप राइट लेफ्ट कॉर्नर में है ना, तो वो जब आप उसको रन करेंगे तो टॉप राइट कॉर्नर में होगा, फ्रंट एंड का इतना नहीं है, फ्रंट एंड मैनुअली ही होगा ज़्यादा। यह कि छोटा मोटा कोड आप जनरेट करवा सकते हैं, ये फुली रिप्लेस नहीं हो सकता। चलें ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस सेशन को एंड करते हैं, और जाते हुए मैं आपको बस दो टिप्स दूंगा वो भाई की तरफ से, अगर आप उस पर अमल करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके लिए काम आएंगी। पहली टिप ये है कि आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं, चाहे तो आप किसी कंट्री के PM ही क्यों ना लग जाएं, लेकिन डाउन टू अर्थ रहना, ये बात आज ही अपने माइंड में सेट कर लें कि यार रब्बुल आलमीन, अगर मुझे तूने जितना मर्जी बड़ा बंदा भी बना दिया ना, मैं अपने जूनियर्स के साथ वैसे ही पेश आऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जो थोड़े आला रैंक पर होते हैं ना, वो जूनियर्स को कुछ समझते ही नहीं है, अगर उनसे कुछ पूछे भी नहीं तो वो बताते ही नहीं है। तो हमेशा आपने डाउन टू अर्थ रहना है, जब भी कोई चीज़ सीख जाए तो जूनियर्स को लाजमी सिखाएं, उनको हेल्प करें, जितना आपसे हो सकता है उनके लिए करें। और दूसरी ये है कि आज से ही आप डिसाइड करें, जितने भी यहाँ पर बेरोजगार हैं, कि लाइक
अगर कोई काम नहीं कर रहा अभी, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है, तो आज से ही वो ये अहद कर ले कि अगर मैं किसी पोजीशन पर पहुंच गया या मैं कमाने लग गया, तो मैं अपनी मंथली इनकम का इतने परसेंट जो है वो अल्लाह की राह में दूंगा। वो आप पर डिपेंड करते हैं, आप 2%, 4%, 10%, जितना भी आप दे सकते हैं। लेकिन वो है कि बस डिसाइड नहीं करना, आपने देना भी है। जब आप इनकम आपकी आने लग जाए, आप उतना परसेंट आप अल्लाह की राह में दे दो, किसी मदरसा में दे दो, मस्जिद में दे दो, किसी जरूरतमंद को दे दो, कहीं भी। लेकिन वो कहीं ना कहीं आप लाजमी उसको खर्च करो, क्योंकि खर्च करने से माल बढ़ता है। ठीक है, आपका अगर नहीं कोई क्वेश्चन तो मैं एंड कर रहा हूँ। और बैकएंड के लिए कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं? बैकएंड के लिए कौन सी, यार बैकएंड आप पर डिपेंड करता है कि आपका किस में इंटरेस्ट है। आजकल जो ट्रेंडिंग पर है वो पाइथन और नोड जेएस ही है। कैनवा से वेबसाइट तो नहीं आप बना सकते, कैनवा से तो आप डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आप इन चीज़ों को देखें। इवन कि ये वीडियो हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर अपलोड कर दें, इसको दोबारा आप देख लें, अपनी फील्ड जो है वो आप डिसाइड कर लें। लेकिन ये है कि वो मैंने जो आपको ये पर्सनालिटी टाइप्स बताई हैं, ये लाजमी आपने गो थ्रू करनी है, और पर्सनालिटी टाइप के लिहाज से आपने अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है। बाकी लगे रहें, कहीं ना कहीं इंशाल्लाह एक दिन पहुँच जाएंगे। जी, जावा स्क्रिप्ट अगर आप अच्छे से कर देते हो तो पाइथन भी कर ही सकते हो। ठीक है, आप सब लोग अपना ध्यान रखें, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।